अस्सलाम वालेकुम, कनेक्ट विद सर अवेस में आप सब लोगों को खुश आमदीद। क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.8 का, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए। एक्चुअली इस मंथ में मेरी ये कोशिश है कि जितने भी सब्जेक्ट मैंने टच किए हैं, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी कोर्स आउटलाइन को मैंने वो किया हुआ है। और यही कहूँगा कि कोई अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, तो वो भेजें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के भी कोर्स आउटलाइन। अगर मुझसे सॉल्व होगा तो मैं करके आप लोगों के साथ अपलोड करूँगा। लेकिन बार बार यही कह रहा हूँ कि जो भी अपलोड हो रहा है, ये सेशन 21-22 के लिए हो रहा है, तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये है कि मैं अपना पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दूँ। मीन्स कि अगर आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 जून को, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि 7 सब्जेक्ट कवर अप हो चुके हैं। जैसे हमने अभी इंग्लिश के वर्ड्स अपलोड किए, इंग्लिश नहीं अपलोड की, तो इसमें थोड़ा सा हम ख्याल रखेंगे कि हम कर लें। अब टेंसेस, सेंटेंसेज है, टेंसेज हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, वो भी कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी कवर अप हो जाए। ताकि फिर आपको जुलाई से मैं एक डेट देने लगूंगा कि आज के दिन ये अपलोड होगी, आज के दिन ये अपलोड होगी, तो इससे मैं भी थोड़ा रिलैक्स रहूँगा। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि 2016 में और 2017 में आया हुआ है, एक्सरसाइज 3.8 का। इस सवाल में क्या ख़ास बात है कि ज़्यादातर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। लॉन्ग में आने के अलावा इस सवाल में क्या ख़ास बात है कि इसको सॉल्वेंट चेक करते हैं। मीन्स कि हमने जो सॉल्यूशन किया है उसकी चेकिंग हुई है कि नहीं। और इसको करने के बावजूद भी बच्चे, और बाकी क्वेश्चंस भी लग रहा होता हमने सही किए, फिर भी पूरे नंबर नहीं आ रहे होते। मैथ में भी 100 आउट ऑफ 100। उसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट वजह है वो ये है कि हमारा काम प्रॉपर नहीं होता। जब भी हम किसी दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो उसके आइदर तरीके होते हैं। मीन्स के या तो सब्सटीट्यूशन या तो एलिमिनेशन। लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम एक इक्वेशन से मिलकर तीसरी इक्वेशन बनाते हैं, तो ये सब्सटीट्यूशन ही कहलाती है। और फिर तीसरी इक्वेशन को उस इक्वेशन में रखते हैं जिस इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली, उसमें नहीं रखते उसके अलावा जो इक्वेशन होती है। उसके बाद हम जिस इक्वेशन में रख रहे होते हैं, वहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, और फिर एक और में रख कर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, या दो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन के चेक भी करना है। मीन्स कि हमारा जो आंसर आया है, तो इक्वेशन 1 में एक्स और वाई की पहली वैल्यू और एक्स और वाई की दूसरी वैल्यू रख के चेक करें, और इक्वेशन 2 में भी। और अगर सब काम प्रॉपर है तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल राइट है, और आपके 7.5 आउट ऑफ 7.5 है। ये क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह ताला PDF तो नहीं, साथ साथ समझा रहा हूँगा तो आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन इसको आप देखिएगा कि किस तरह से किया हुआ है, और इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपना पूरा पेपर कीजिएगा, अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आते हैं तो। वैसे एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आपका आएगा। तो यही है कि आप लोग कनेक्ट रहें, और बाकी वीडियोज़ वगैरह तो अपलोड हो रही हैं, वो भले ही आपकी क्लास की हैं या नहीं हैं देखें, और जो आपको लगता है कि शेयर करने वाली हैं वो किया कीजिए। इवन के मैंने तो कहा था, लेकिन मेरे सबसे जो कम व्यूज़ हैं, और कम से कम आपको भी पता लेगा क्या, वो फ्राइडे वाली वीडियो, हालांकि फ्राइडे वाली सबसे इंटरेस्टिंग थी। वेल, कोई इशू नहीं है, हम अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे अब। जी तो थैंक यू सो मच, पूरी वीडियो देख ली और समझ आ गया ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, अभी हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन किए, लेकिन ये हमारा मैथ्स का दूसरा आ रहा है। एक क्वेश्चन आ रहा है 9 और मैट्रिक की मैथ्स का, और सेकंड ईयर की मैथ्स का, वो इंशाल्लाह ताला अपलोड होगी। बस थोड़ा सा टाइम दें, अभी तो एक दिन में एक हो रही है, या तकरीबन एक दिन हो ही नहीं रही है, फिर लगातार हो रही है, और या एक दिन में 2 भी हो जा रही है। लेकिन हमारी यही कोशिश है, हमारी यही ख्वाहिश है कि जुलाई से सब कुछ प्रॉपर हो। इसके अलावा मैं BS कर रहा हूँ एक्चुरियल साइंस में, तो अपने तमाम जूनियर्स से कहूँगा कि इकोनॉमिक्स से सर डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा का जो लेक्चर है वो मैं भी अपने चैनल पे सॉल्व करवाऊँगा। जी, मैं उनके लेवल पर तो कभी पहुँच ही नहीं सकता, उनका एक 25 ईयर्स का वाइड एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करूँगा कि ईजी करके नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड करूँ। तो देख लीजिएगा, आगे भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल मेथड आपको तरीके तो बहुत बहुत मिल जाएंगे। फिर मैंने एक न्यू अवतार में एक अपना एक क्लासिकल थिंकिंग के थ्रू शुरू किया है, वो भी देख लीजिएगा। बाकी इंग्लिश ग्रामर वगैरह डिफरेंट क्लासेस के आपको मिलते रहेंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, सर अवेस में कनेक्टेड रहिएगा। जो वीडियोस आपको पसंद आए उनको लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरा राइट है,
और जो लगता है कि आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत है तो वो शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइबर्स का मैंने कह ही दिया है, आप लोगों के फजलोक्रम से माशाल्लाह से बहुत सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला मेरा फर्स्ट व्लॉग आएगा मेरे स्टूडेंट्स के साथ बहुत जल्द। थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए तो फिर मैं जाऊँगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको एक एक चीज़ दिखाऊँगा, कहाँ गया हूँ, किसके साथ गया हूँ, जो भी चीज़ें हैं। बाकी कनेक्ट रहें, और यही कह रहा हूँ जो भी बच्चे जिस भी क्लास में, वैसे तो बहुत कम वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, प्ले लिस्ट मैं बना दूंगा, तो उससे प्रिपरेशन शुरू करें ताकि थोड़ी थोड़ी हेल्प हो जाए। बाकी आप लोगों ने कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन किए हुए, एक कमेंट बार बार आ रहा है मेरे पास, और एक स्टूडेंट ने, दो स्टूडेंट ने हायर भी मुझे यूट्यूब के थ्रू किया। जी मैं ट्यूशन पढ़ा रहा होता हूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मैं अपने स्टूडेंट्स को या फिर किसी वेल एक्सपीरियंस बंदे को भेजूँगा। तो मैंशनड है आपके साथ साथ स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, वो सेव कर लें, अगर वाइस ट्यूशन से रिलेटेड बात करनी हो तो कर लीजिएगा। और कार्ड वगैरह भी हम बना रहे होते हैं, स्क्रैप बुक वगैरह, आप नेट से सिर्फ और सिर्फ हमें कॉपी करके दोगे, डिज़ाइन हम कॉपी करेंगे, हाफ़ पेमेंट पहले होती है हाफ़ पेमेंट बाद में। फिर जनरल का क्वेश्चन था, जी जनरल भी बनते हैं, हर चीज़ की हाफ़ पेमेंट पहले होती है, आइदर आप मिल के दे दें और या तो फिर इसी पैसा कर दें, जैसा भी हो वेल कनेक्ट रहिएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी लॉन्च हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज़, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर क्विक एंड पॉजिटिव रिस्पांस। इतने व्यूज़ दिए हैं आप लोगों ने, और कि आए वीडियो आए मैथ्स की तो बहुत अच्छी व्यूज़ रहे। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला मैं क्वेश्चन नंबर 3 अपलोड करता हूँ 3 से 4 दिन में। अब तक ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।